for latest Bollywood gossips, subscribe to our channel. To get our videos, first hit the bell icon and get notified for every video. Hey guys, welcome to Movies Adda. मैं हूं आपका फिल्मी सा होस्ट अमरप्रीत. Guys, धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित लेकर आई हैं अपनी पहली डेब्यू मराठी फिल्म, जिसका ट्रेलर आज लॉन्च हुआ है और करण जौहर ने पहली बार किसी मराठी फिल्म को प्रेजेंट किया है. सो माधुरी दीक्षित का आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है, उसको डायरेक्ट किया है. एक बार मैं बता दूं कौन है उनके डायरेक्टर, वो है तेजस प्रभा विजय देवस्कर. माफ करना, थोड़ा लंबा नाम है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है इसको. So, तेजस प्रभा की ये जो फिल्म है जिसका नाम है बकेट लिस्ट, माधुरी दीक्षित की पहली मराठी फिल्म, इसका जो ट्रेलर आया है वो आज आप देख सकते हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस ट्रेलर में हमने क्या क्या देखने को मिला है. सो जैसे ही माधुरी दीक्षित को ये पता चलता है कि साई, जिसकी ये कोई बकेट लिस्ट थी, उसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि दारू पीना, वो तो बकेट लिस्ट में नहीं, हमारे कैमरामैन के डेली शेड्यूल में इंक्लूडेड है, बाकी रणबीर कपूर के साथ सेल्फी खिंचाना, बाइक तेज चलाना, पूरे ऑडियंस के सामने डांस करना, सो और भी ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो उनकी बकेट लिस्ट में है और उन्हें पता चलती है और उन्हें पूरा करने की कोशिश करती है. और ये कोशिश करते करते माधुरी दीक्षित, जो एक्चुअली एक हाउसवाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, वो खुद को डिस्कवर करती हैं. सो फिर माधुरी दीक्षित एक्चुअली उनके बकेट लिस्ट को अपना ही बनाकर वो उन्हें खुद की ही डिजायर्स बना लेती हैं. वो कैसे खुद को डिस्कवर करती हैं एक हाउसवाइफ होते हुए, क्या क्या उनके चैलेंजेस आते हैं और फाइनली क्या उसे कर पाती है, पूरा नहीं कर पाती है, ये हमें फिल्म देख कर ही पता चलेगा. ट्रेलर देख के तो इतना इतना समझ में आता ही है. और हाँ, एंड में बिल्कुल सारी लड़कियां चाम होने वाली है ट्रेलर देख के, क्योंकि एंड में आते हैं रणबीर कपूर, जो एक्चुअली फिल्म में एक छोटा सा कैमियो भी कर रहे हैं. सो गाइज, ये फिल्म जो है वो 25 मई को रिलीज होने वाली है. वैसे तो ये एक मराठी फिल्म है, मराठी ऑडियंस के लिए है, लेकिन आई एम वेरी श्योर द धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के जो बॉलीवुड के फैंस है, जो उनके फैंस पूरे इंडिया में है, वो इस फिल्म को जरूर देखने जाएंगे. क्योंकि जैसे कि इस 2.5 मिनट के ट्रेलर में आई वॉज ओनली, मुझे मराठी भले समझ आए ना आए, लेकिन आई वॉज टोटली चार्म्ड भाई माधुरी दीक्षित प्रेजेंस ऑन स्क्रीन. पूरे 2.5 मिनट मैं सिर्फ माधुरी जी को देखते ही रह गया था. और क्यों ना देखे, माधुरी जी आखिर माधुरी जी है. सो माधुरी जी को मैं ऑल द वेरी बेस्ट विश करना चाहूंगा. करण जौहर साहब भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. आपको भी धर्मा प्रोडक्शंस को ऑल द वेरी बेस्ट. देखेंगे 25 तारीख को मूवी कैसी होती है. गाइज, आप लोग हमें बताएं ट्रेलर देख कर कि आपको ट्रेलर कैसा लगा. हमारे चैनल मूवीज अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूले. और देखो यार, ऐसा है, अगर आप लोग ये जो वीडियो है ना, इसको बीइंग फिल्मी पर देख रहे हो, बीइंग फिल्मी हमारा नया छोटा नन्ना मुन्ना सा चैनल है, प्यारा सा चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूले. उसको आपके बहुत सारे प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है. सो थैंक यू सो मच गाइज. इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले. कॉमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूले कि आपको ट्रेलर कैसा लगा. थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, सी यू गाइज.